देखेंगे आरएमपी कोच का कैसे कैसे क्या है। देखिए ये आरएमपी कोच का इस साइड को राइट साइड का ये एसएच डोर का ढक्कन है और ये ब्लोर एरिया है, ब्लोर हमने नीचे उतारा हुआ है और उसके वो राइट हुआ, ये लेफ्ट साइड का है और ये ब्लोर मोटर है। तो देखेंगे 1.1 किलोवाट और 1.5 एचपी का ये ब्लोर मोटर है, ये करीब 2.5 एम्पियर का ब्लोर मोटर है और ये डबल शाफ्ट ब्लोअर मोटर होता है इसमें और 440 से ऑपरेट होता है रेड येलो ब्लू। अगर मोटर सीधा चल रहा है, अगर उल्टा चलाना है तो कोई भी आपस में दो कनेक्शन चेंज इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर उल्टा चल रहा है तो सीधा चलने लगेगा, अगर सीधा चल रहा है तो उल्टा चलने लगेगा। ठीक है, डबल शाफ्ट का ब्लोअर मोटर होता है और ये देखिए इसके ब्लोअर रनर है, एक रनर इधर और एक रनर इधर लगा हुआ है और जो ब्लोअर मोटर होता है इस पर हैंग होता है, ये जो इसके कुंडा इसे फंसा रहता है और देखेंगे तो यहाँ से ब्लोअर मोटर इसी नट पे हैंग होता है, बेस है यहाँ पे टाइट, एक नट यहाँ टाइट होता है और एक यहाँ पे टाइट होता है और ब्लोअर मोटर टाइट होता है। जब एसएच डोर खोलेंगे राइट साइड वाला देखेंगे यहाँ पे है वैन डिले, इसका काम यह है कि जब भी ब्लोअर मोटर ना चले तो ये वैन डिले क्या करेगा, पूरी सप्लाई को ऑफ करा देगा। तो उस पोजीशन में सेफ्टी डिवाइस काम करता है, हीटर चल रहा है, ब्लो मोटर नहीं चल रहा तो आग लगने की संभावना रहती है, तो उस पोजीशन में पूरे प्लांट को ऑफ करा देगा। अगर कूलिंग मोड चल रहा है, अगर ब्लो मोटर नहीं चलेगा तो आइस फॉर्मेशन पूरे कूलिंग कॉइल में हो जाएगा, तो उस पोजिशन में भी ये ऑफ करा देता है। तो देखिए जैसे हवा चलती है, ब्लो चलती है तो ये ऐसे पीछे आता और टक से आवाज़ आती है। तो ये तीन तार हैं इसमें से, तो एक दूसरे को दो वैन लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, एक इस साइड है एक दूसरे तरफ, वो भी दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको। अगर वैन डिले जैसे काम करता है दूसरे तरफ वाले वैन डिले को सप्लाई चली जाती है और वो वैन डिले जब काम करती है तो वो नीचे जाता है कॉन्टेक्टर को लगाता है। तो एक बीच का तार है ये एयर लॉस का तार है, ये जो देख रहे हैं सेंसर, ये सेंसर जो थर्मोशेड है उसी का सेंसर ये यहाँ पर लगता है ग्रिल के पास। और ये देखेंगे एचपी कटआउट है, तो ये एचपी कटआउट है, ये सेटिंग है 400 PSI भी सेटिंग है और ये एचपी कटआउट जो है ऑटोमेटिक, अभी अब जो आ रहा है ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटो में अपने आप ट्रिप होगा और अपने आप रिसेट हो जाएगा, इसको रिसेट करना नहीं पड़ेगा, पहले मैनुअली आता था आरएमपी कोचों में, अब ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये जो गैस का प्रेशर आ रहा है तो अगर 400 से ज़्यादा प्रेशर यहाँ आएगा प्रेशर तो ये एचपी ट्रिप हो जाएगा। तो प्रेशर आता कहाँ से, तो प्रेशर आता है देखेंगे तो स्टेनर कैपिलरी होता है, स्टेनर कैपिलरी जहाँ हम लगाते हैं उसके आउटपुट इनपुट में जहाँ स्टेनर कैपिलरी को पाइप मेन जोड़ते हैं वहीं पे ये एक पाइप जुड़ा रहता है, वहाँ से इसकी प्रेशर आता है और ये 110 वोल्ट एसी से काम करता है। ये 110 वोल्ट एसी एक आता है और एक एचपी ट्रिप का एक नीचे जाता है, वो एलपी कटाव के नीचे जाके यही एलपी में मिल जाता है, फिर वापस एलपी से एक तार फिर यहाँ आएगा वही सप्लाई एचपी का और यहाँ एलपी में आएगा। अगर एलपी ओके होगा, एलपी देखिए ये एलपी कटआउट है, ये एलपी कटआउट देखेंगे करीब ये 50 पे सेट है, जो एलपी कटआउट का ये कैपिलरी तार है ये जुड़ा होता है जो कूलिंग कॉइल जो सक्शन का जो मोटा पाइप निकल कंप्रेसर में जाता है रिटर्न जिसको देखते हैं उसी पाइप लाइन पर ये कैपिलरी जुड़ी होती है, एलपी का प्रेशर बताता है। और ये जो देखेंगे तो यह है फ्रेश ये ग्रिल, तो इस ग्रिल को हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से खोल के, अगर जितना कम ज़्यादा करना है। वैसे नॉर्मली हम 25% रखते हैं और 75% कोच का फ्लो रखते हैं और 25% बाहर से, तो 100% कोच के अंदर फ्लो जाता है और फ्रेशनेस ताजगी बनी रहती है। और ये इसकी कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल देखिए, कूलिंग कॉइल का डिफरेंस है। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ वाले को, देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। देखेंगे तो दूसरे तरफ आ गए हम लोग, तो जैसे बताया वहाँ पे दो वैन लगे हैं सीरीज में, एक उधर लगा था एक वैन इधर लगा है। जब ब्लो चलता है दोनों तरफ से हवा को सक करेगा तो ये भी पीछे आएगा, जैसे पीछे आएगा तो ये वैन डिले कॉन्टेक्टर को ऑन कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एचपी कटआउट लगा हुआ है और ये थोड़ा शीशा किसी नहीं दिख रहा, तो ये भी 400 सेट है, इसका भी स्टेनर कैपिलरी के पास पाइप लाइन जुड़ा हुआ है, पैनल से इसकी सप्लाई आई और यही सप्लाई एक पैनल से 110 वोल्ट आया, एक इंडिकेशन एचपी ट्रिप का, एक जो वायर जाता है वही एलपी में सप्लाई फिर चली जाती है और एलपी में जो दो तार बचे हैं वो एक चला जाता है ओवरलोड में और एक जाता है एलपी ट्रिप का, एक यहाँ से एलपी ट्रिप को जाता है, एक यहाँ से एचपी ट्रिप का वायर जाता है। जो एक कैपिलरी लगी है ये देखेंगे तो जो कूलिंग कॉइल के आगे जो मोटा पाइप है सक्शन का उसी पाइप के ऊपर ये कैपिलरी लगी रहती है।
और इसका फ्रेश एयर ग्रिल इस साइड का है और यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे जब कोच के नीचे हम पैनल के प्लांट के नीचे खड़े होंगे या प्लांट के ऊपर, तो जो हमारा राइट साइड का राइट साइड हाथ में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम मतलब फर्स्ट बोलेंगे, मतलब राइट साइड का बोलेंगे, और जो लेफ्ट में आएगी उसको लेफ्ट साइड का बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हीटर ब्लो तो देखेंगे। तो ये कोच, ये है हीटर, तो दो हीटर लगे होते हैं एक पैनल एक प्लांट में। तो ये हीटर है, फिंस टाइप हीटर है, यू टाइप का फिंस है, नया मॉडल आया है सिद्धवाल का है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो एक हीटर है ये 1 किलोवाट का है, तो 1 2 3 ये मतलब यू टाइप से। तो इसमें 3 ही हीटर लगा है लेकिन देखने में आपको 6 हीटर दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे ये यू है, एक ही हीटर मुड़ा हुआ है, तो 3 हीटर है। ठीक है, और 3 हीटर इस साइड है, राइट साइड में 3 है, लेफ्ट में 3 है, तो 6 किलोवाट का हीटर है। अब इसको जो 3 फेज कनेक्शन है, तो जो पैनल से जो पावर आता है, देखिए ये जो बड़ा वाला हार्टिंग कनेक्टर है इसमें पावर आती है पैनल से, और ये कंट्रोलिंग आती है पैनल से। ये छोटा कनेक्टर है कंट्रोलिंग का, ये पावर का है। तो जब ये पावर आता है तो देखेंगे तीन हीटर का 6 पॉइंट बनेगा, तो 3-3 पॉइंट पे 2-2 तार लगे होंगे। देखिए ये पहले पॉइंट पे 2 तार लगे हैं, दूसरे पॉइंट पे 2 तार लगे हैं, तीसरे पॉइंट पे 2 तार लगे हैं, और एक एक पॉइंट पे लूपिंग है। ये यहाँ से ऐसे लूप हुआ और यहाँ से ये ऐसे लूप हुआ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे 2-2 तार लगे थे, वही एक एक तार दूसरे हीटर की सप्लाई चली गई। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस भी 3 हीटर का 6 पॉइंट बना, एक एक पॉइंट पे देखेंगे तो वो जो दूसरे हीटर से लूप होकर तार आया वो आया, और एक एक जो पॉइंट रेड येलो ब्लू 3 पॉइंट पे लग गया, जो 3 पॉइंट बचा उसमें लूपिंग हो गया। ऐसे देखेंगे यहाँ से तो देखिए पहला लूपिंग, और यहाँ से या दूसरा लूपिंग, तो 3 तार लूप हो गया। और जो OSP है तो देखेंगे तो OSP में पैनल से सप्लाई आएगी, 38 नंबर से सप्लाई आएगी पहले OSP पे। ठीक है, 38 अगर ये OSP ठीक रहेगा, 38 पहला OSP है तो 38 पे सप्लाई आएगी, पहला OSP ठीक रहेगा तो 39 से सप्लाई निकाल देगा दूसरे OSP के लिए। अगर ये OSP ट्रिप हो जाएगा तो क्या करेगा, 39 को ब्रेक करा के 40 से सप्लाई निकालेगा और वहाँ पे दिखाएगा कि OSP ट्रिप और ये हीटर बंद हो जाएगा वहाँ पे। अगर पहला हीटर ठीक है तो 38 सप्लाई आएगा, 39 पास करेगा किसको, 41 को, और 41 पास करेगा 42 को, 42 जाएगा कॉन्ट्रेक्टर हीटर कॉन्ट्रेक्टर लगाने के लिए। और जब दोनों OSP कोई भी ट्रिप होगा तो एक दूसरे OSP का 43 नंबर वायर है और पहले OSP का 40 नंबर वायर है। ये OSP 1 का ट्रिपिंग का 40 नंबर वायर है और ये OSP 2 का ट्रिपिंग का 43 नंबर तार है। 41 आया है 39 के पास से। ठीक है, ये इसका वैल्यू है, यहाँ पर हम लगा देते हैं वैल्यू। जब ये हीटर की यहाँ का टेम्परेचर करीब 65 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये OSP सेंस करके वहाँ से ट्रिप हो जाती है, ट्रिप हो जाती है तो हीटर ऑफ हो जाता है। अगर आपको दोनों हीटर OSP ट्रिप करा के दिखानी है तो जब ये हीटर ट्रिप हो जाए तो जब देखेंगे 38 की सप्लाई 39 पे ना जाके 40 पे जाती है तो OSP ट्रिप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 38 और 40 को लूप लगा देंगे तो OSP 1 शॉर्ट हो जाएगा। अब दूसरा भी OSP चले काम करेगा। जब ये भी ट्रिप हो जाएगा तो परमानेंट अब हीटर नहीं चलेगा। अब दोनों में से कोई भी पहले अगर ट्रिप हो जाए और दूसरे को भी ट्रिप कराना है, तो अगर पहले मान लीजिए 2 नंबर ट्रिप हो गया तो हम 41 और 43 को शॉर्ट कर देंगे, 41 और 43 को शॉर्ट कर देंगे तो भी ये चल जाएगा। अगर पहला ट्रिप हुआ है तो हम 38 और 40 को शॉर्ट कर देंगे तो भी ये चल जाएगा। पहला नहीं, सॉरी, अगर मान लीजिए पहले ट्रिप हो गया तो हम क्या करेंगे, 38 और 39 को शॉर्ट करेंगे, 40 से इंडिकेशन का 38 और 39 को शॉर्ट कर देंगे तो पहला ये बाईपास हो गया। 38 अगर 39 को आप शॉर्ट कर देंगे तो पहला OSP बाईपास हो जाएगा, और अगर 41 और 42 को आप शॉर्ट कर देंगे तो OSP 2 बाईपास हो जाएगा। कोई एक OSP बाईपास करके दोनों हमको OSP का टेस्ट करना है, तो जब भी आप टेस्ट ट्रिप कराएंगे तो पहला एक कोई ना कोई OSP जो पहले सेंस करेगा वो ट्रिप हो जाएगा। तो अब क्या होगा, दूसरा OSP नहीं ट्रिप करेगा तो पहले OSP जो भी पहले ट्रिप हो जाए उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट क्या करेंगे, हम पैनल के पास से ही अगर मान लीजिए हमें इंडिकेशन दिखा दे कि OSP 1 ट्रिप, तो हम क्या करेंगे, 38 और 39 को आपस में लूप कर देंगे।
ये बाईपास हो जाएगा, दूसरा ओएसपी काम करने लगेगा, हीटर ऑन हो जाएगा। जब दूसरा भी ऑन हो ट्रिप हो जाएगा तो परमानेंट ट्रिप हो जाएगा। अब मान लीजिए पहले दो नंबर ट्रिप हो गया तो हम 41 और 42 को शॉर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कोच के अंदर, कोच के अंदर जो थ्रो है ये यहाँ पे ब्लोअर लगता है और ये कोच के अंदर का थ्रो, ये इसी डक के माध्यम से कोच के अंदर थ्रो जाता है। ठीक है, और देखिए ये हीटर है, हीटर के पीछे कूलिंग कॉइल की जाली है, इसके पीछे कूलिंग कॉइल है, तो दोनों दोनों ब्लोअर इधर से हवा खींच के और कोच के अंदर थ्रो करता है। और ये कंडा देखेंगे, इस ब्लोअर को हम हैंग करते हैं, अगर मान लीजिए ब्लोअर में कुछ हल्का उनका काम करना है तो ब्लोअर के यहाँ से क्या करें, नट से खोल देते हैं और खोल के यहाँ पे हैंग कर देते हैं, उसमें हैंग करने के लिए बना हुआ है तो ब्लोअर आराम से हैंग हो जाता है, ये मजबूत है इतना कि हो जाता है। अभी देखेंगे तो हम लोग, अभी देखेंगे आप तो इस हीटर को हम लोग मैनुअली ट्रिप करा के देख रहे हैं कि ट्रिप होने, देखेंगे हीटर का कलर चेंज हो रहा है, देखिए हीटर रेड हो रहा है, जब इसके 65 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हीटर के पास आ जाएगा तो हीटर ट्रिप हो जाएगा। और देखिए हीटर के कलर देखिए रेड हो रहा है ना, धीरे धीरे इसको टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखिए जब 65 डिग्री आ जाएगा तो ये ओएसपी ट्रिप हो जाएगा और वहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा ओएसपी ट्रिप का। दोनों में से कोई एक पहले ट्रिप का हो सकता है, या इधर हो जाए वन मार हो जाए या टू हो जाए, तो कोई भी एक ट्रिप हो सकता है। कौन सा वो कौन कई नंबर आप देखेंगे, हम लोग भी ट्रिप करा रहे थे तो देखिए ओएसपी वन ट्रिप हो गया है और ये अब लोग अब हीटर नहीं चलेगा क्योंकि देखिए आप देखेंगे आप ओएसपी वन ट्रिप हो गया है, इंडिकेट कर रहे हैं ना ओएसपी वन, वहाँ से हमने मैनुअली ट्रिप करा के देखा। अब आरएमपी में कैसे ट्रिप कराते हैं इसको अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ओएसपी ट्रिप कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपीसीबी है, इस वजह से इसका तरीका अलग है। नॉर्मल से यहाँ हम लोग क्या उसको ब्लोअर खोले हुए थे, इसलिए हमने दो तीन जगह शॉर्ट लगाया है, आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे ट्रिप करना है। ठीक है।